अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में मैं साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग आपसे शेयर करूँगी। ये पहले हम शर्ट का जो कपड़ा है उसको सेट कर लेते हैं, और जो ये लाइन दी हुई है फैब्रिक पे इसकी पहले कटिंग कर लूँगी। ये बाजू वाली साइड है तो इसको पहले मैं अलग कर लूँगी, और पहले मैं बाजू की कटिंग करूँगी। ये जो कपड़ा हमने उतारा है इसको पहले आप डबल फोल्ड कर लें, और उसके बाद फोर फोल्ड के बाद इसके हम बाजू के निशान लगाएंगे और फिर कटिंग कर देंगे। स्ट्रेट सिंपल बाजू की मैंने कटिंग करनी है। तैयार बाजू मुझे 19 चाहिए तो मैंने 1 इंच ज़्यादा रख के 20 का निशान लगा के उसकी कटिंग कर ली है। 3 इंच नीचे निशान लगाया और 3 इंच मैंने ऊपर का निशान लगा के इस तरह से शेप में इसकी कटिंग कर ली है बाजू की। और फिर ये स्ट्रेट बाजू की साइड से इस तरह से बस मैंने कटिंग कर लेनी है। और ये सिंपल बाजू की कटिंग जो है वो हो गई है। ये जितना भी आपने कंधा रखना है उसके हिसाब से निशान लगा के तो ये हमारी बाजू की कटिंग तैयार है। अब जो फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है इसका, इसको पहले मैं अलग कर लेती हूँ। ये फ्रंट साइड का बिल्कुल सेंटर करके मैंने रख लिया और बैक साइड का भी, तो इसकी टोटल लेंथ जो है 35 चाहिए और मैं 36.5 पर इसका निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये शर्ट जो है फ्रॉक टाइप होगी, साइड्स पे जो है वो प्लेयर्स होंगे हमारे, तो इसलिए इतनी ही मुझे इसकी लेंथ चाहिए। अब यहाँ से मैं इसका जो है ऊपर से तीरा देख लूँगी। तीरा 15 है तो मैं 7.5 पे इसका निशान लगाऊँगी, और यहाँ से कंधे का मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ऊपर से नीचे 14 पे कमर का, ये कमर का निशान है। और यहाँ से हम चेस्ट का जो है वो देख लेंगे। चेस्ट 19 है तो मैं 9.5 का यहाँ पे निशान लगा लूँगी, और जो ऊपर से नीचे 14 का लगाया था यहाँ कमर का देख लेंगे। कमर 17 है तो 8.5 का मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। और अब चेस्ट और कमर का जो निशान लगा है उसको इस तरह से मैच कर देना है। यहाँ 7 इंच के निशान पे जो हमारे बाजू है उसको यहाँ से राउंड दे के इस तरह से शेप बना देनी है इसकी। ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा है जो मैंने अभी निशान लगाया है। और ये जो सारा कपड़ा है कमर से यहाँ तक, यहाँ पे मैं प्लेट्स डालूँगी तो ये सारा ही मैं रख लूँगी इसका। ये बहुत ही इजी मेथड है इसका, बिल्कुल सिंपल। जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं ये वैसे ही हमने निशान लगाए हैं, बस एक्स्ट्रा यहाँ से जो है वो हम थोड़ा सा इसका मेथड चेंज करके तो हम यहाँ से जो है इसकी फ्रॉक रेडी करेंगे। ये जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और जो एक्स्ट्रा हमने रखा था कपड़ा मार्जिन के लिए हम उससे आगे ही उसकी कटिंग कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम प्लेट्स डालेंगे, और ये जो कटिंग हो गई है यहाँ इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। और अब हम प्लेट्स के लिए कितना हमें अंदर कपड़ा चाहिए उसकी मैं कटिंग करूँगी। पहले ये पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ताकि नीचे वाले कपड़े पे निशान लगाने के लिए इस तरह से आसानी होती है जब हम कर्व्स लगा लेते हैं कैंची से। ये यहाँ से मैंने 4 इंच का निशान लगाया है जहाँ हमने कमर का निशान लगाया था, और उसके साथ स्ट्रेट यहाँ से 4 इंच के निशान पे यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है, और यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। लेकिन जहाँ हमने निशान लगाया है बिल्कुल आधे जो थोड़ा सा हमने मार्जिन रख लेना है, फुल कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा कपड़ा रख लेना है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने स्टिचिंग में इसके प्लेट्स डाल देने हैं, और ये साइड प्लेट्स फ्रॉक जो है वो हमारी उसकी कटिंग रेडी है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।